दोस्तों, अगर आप भी एक CSE VLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप अपने CSE पोर्टल के माध्यम से मोबाइल रिचार्ज कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी को हमने आज की इस वीडियो में कवर किया है। साथ ही में वीडियो के एंड में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कितना कमीशन आपको CSE के द्वारा मोबाइल रिचार्ज पे दिया जा रहा है। तो आप हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके CSE पोर्टल से लॉगिन हो जाना है। इसके बाद में आपको ऊपर की साइड में काफ़ी सारी सर्विसेज के आइकन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, टेलीकॉम वाला एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से एक नया पेज आप सभी के सामने ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है मोबाइल प्रीपेड। इस वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी सिम कार्ड कंपनी है उनके नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एयरटेल, BSNL जो भी होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आपको जिस भी कंपनी का रिचार्ज करना है, सबसे पहले तो आपको उसका सिलेक्शन यहाँ कर लेना होगा। इसके बाद में आप जो भी मोबाइल नंबर पे यहाँ पे रिचार्ज करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे तो नीचे आप देख पाओगे सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर से रिलेटेड जो भी ऑफर होंगे या फिर प्लान होंगे वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे, आप यहाँ पे हर एक प्रकार का रिचार्ज कर सकते हैं। चाहे आपको यहाँ पे कोई नेटपैक कराना है या फिर आप कोई टॉपअप कराना चाहते हैं, तो आप अपने CSE पोर्टल के माध्यम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्लान ओपन होके आ चुके हैं। आपको एक प्लान का सिलेक्शन कर लेना है, जितने का भी रिचार्ज आप अपने मोबाइल में करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन आपको कर लेना होगा। उसके सामने आपको सिलेक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम ये वाला रिचार्ज यहाँ पे करना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जितने भी अमाउंट का रिचार्ज आप अपने मोबाइल पर कर रहे हो वो अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अपने CSE वॉलेट का पिन आपको एंटर कर लेना है। जैसे आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका रिचार्ज यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोबाइल रिचार्ज पे आपको CSE के माध्यम से कितना कमीशन दिया जा रहा है। तो आपको ऑर्डर हिस्ट्री वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद में आपने जितने भी ट्रांजैक्शन CSE के माध्यम से किए होंगे उनकी डिटेल यहाँ पे ओपन होकर आ जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे, हमने VI का एक रिचार्ज यहाँ पे कम्प्लीट किया है। तो जैसे आप डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक, तो आपके मोबाइल रिचार्ज से रिलेटेड कुछ डिटेल यहाँ पे ओपन होकर आ जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे, आपने जितने का भी रिचार्ज किया है वो अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आपके CSE वॉलेट से जो अमाउंट कटा है उसकी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको कमीशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप देख पा रहे, पूरे ₹10 का कमीशन हमको मोबाइल रिचार्ज पे CSE के माध्यम से दिया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा खासा कमीशन अब CSE के माध्यम से मोबाइल रिचार्ज पे देना स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप कि आपको आज का ये पूरा प्रोसेस जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही मैं चैनल पर नए हूं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ।